ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सो द ट्रुथ लाइज़ विद इन में। और आज हम 12 मार्च के ईश्वरीय वरदान के बारे में चर्चा करेंगे, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हमेशा अपने आप को बिजी रखें परमात्मा की सेवा में, ताकि हमें माया मतलब कि अपवित्र संकल्पों का कोई वार ना हो हमारे ऊपर, ताकि हमारे मन में डिप्रेशन ना आए, हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प ना आए, हमारे मन के अंदर क्यों क्या कैसे ना आए, और साथ ही साथ हमारे मन में संतुष्टता हमेशा रहे। तो देखें परमात्मा कहते क्या है इसके बारे में। बाबा कहते हैं, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, योगी कौन, जो कि अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा की याद में सदा रहे, उसके लिए आपको ऐसे बैठने की जरूरत नहीं। आप काम करते हुए, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, वो करते हुए भी आप परमात्मा के निकट रह सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनको अपना साथी बना करके रह सकते हैं, ताकि आपसे कोई बुरे कर्म ना हो जाए कर्म करते हुए। कर्म तो सिर्फ सुबह और रात को नहीं होते ना, जब हम पूजा करते हैं, हम बीच में जब कर्म कर रहे होते हैं तभी तो कर्म हमारे बुरे हो सकते हैं। तो अगर हम सदा परमात्मा को अपना साथी बना दें तो हम अटेंशन में रहेंगे कि परमात्मा मेरा साथी है, उनके साथ में मिलकर के मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या खाना पका रहा हूँ पका रही हूँ, या घर साफ कर रहा हूँ कर रही हूँ, और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, परमात्मा से कनेक्शन रहेगा और कोई बुरे वचन, बुरे संकल्प और बुरे कर्म नहीं होंगे हमारे से। तो विस्तार में चलें, ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवक लिए। ब्राह्मण मतलब कि जो कि परम पिता परमात्मा का इस ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा सुनते हैं, ब्रह्म कुमारीज में आकर के, जो कि गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। अगर आप भी इस ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे तो भी आप भी ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्राह्मण मतलब जो कि एडम या ब्रह्मा के अनुसार चलते हैं। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे, है ना। तो मन अगर बिजी है तो उसके अंदर कोई ख्यालात, अपवित्र ख्यालात आ नहीं सकते। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ, सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, मेडिटेशन में आप बैठे हो, सबके लिए आप अच्छे थॉट्स क्रिएट करो, चाहे किसी भी देश के बारे में, किसी भी कंट्री में आप वाइब्रेशंस भेजो प्योरिटी की, पीस की, लव की, जो कभी चाहिए कई देशों में, आप उन देश वासियों के लिए आप प्रे करो मेडिटेशन में, उनको शक्तियां भेजो आप, जो कि आप सीखते हो कैसे भेजना है ब्रह्मा कुमारी इसमें। तो वो हो गया माइंड से सेवा होगी, फिर हो गया बोल से सेवा करना। फिर बाबा कहते हैं, चाहे संकल्प से सेवा करो मेडिटेशन में, चाहे वाणी से करो, जैसे अभी ये वाणी से सेवा है, चाहे कर्म से सेवा करो। आप कर्म करके किसी को दिखाओ कि कैसे शांति में रह सकते हैं, कैसे आप पवित्र रह सकते हैं, कैसे आप सुखी रह सकते हैं। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। आप किसी के साथ में मिलते हो, आपका चलना बैठना उठना बैठना खाना पीना बोलने का तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, किसी को शांति दे सकते हो। फिर परमात्मा कहते हैं, चलने द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। अगर आप सेवा में बिजी रहते हो, जैसे कि अगर आपके बॉस आपको आपकी ऑफिस में कोई काम देते हैं तो आप काम करते तो कौन याद आता है, बॉस ने काम दिया है। इसी तरीके से जब आप सेवा में बिजी रहते हो परमात्मा की, चाहे आप खाना पका रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, आप परमात्मा को याद करते कर रहे हो, तो आप उस समय क्रोध में नहीं करोगे, अहंकार में नहीं करोगे, ईर्ष्या घृणा में नहीं आओगे, आप गुणों को यूज़ कर पाओगे उस समय, क्योंकि आप परमात्मा को याद करते हुए कर्म कर रहे हो। चाहे फिर आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे अपने घर में काम कर रहे हो, परमात्मा के साथ रहने से आप गुणों को अपना करके काम करोगे। आप सहनशीलता, सादगी, मधुरता, पवित्रता, प्रेम के द्वारा आप कर्म कर पाओगे। इसको कहते हैं सहज योगी। तो परमात्मा की सेवा करना, हर सेकंड करना, मतलब परमात्मा के साथ रहना। फिर परमात्मा कहते हैं, सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। अगर आप सेवा में बिजी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली परमात्मा सदा याद रहेगा, तो आप परमात्मा के साथ में सदा मेडिटेशन में रह पाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारी मेडिटेशन नहीं होती, परमात्मा कहते हैं कि आप क्यों नहीं जो कर्म कर रहे हो उसमें आप ये सोचो कि आप परमात्मा की सेवा कर रहे हो। तो अगर आप खाना पका रहे हो तो आप परमात्मा की सेवा कर रहे हो, परमात्मा के लिए खाना पका रहे हो। ऑफिस में काम कर रहे हो तो परमात्मा के लिए काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कौन याद रहेगा, कौन साथी बन जाएगा, परमपिता परमात्मा। तो क्या आप भूल पाओगे उनको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हो। लेकिन आप ये सोचो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, सैलरी कमाने के लिए कर रहा हूँ, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर परमात्मा की याद नहीं रहेगी, फिर उसमें मैं आ जाएगा, फिर परमात्मा 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 भूल जाएगा। इसको करना कैसे, और विस्तार के लिए आप ब्रह्मा कुमारी इसका गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के, छोटे से सेंटर होते हैं सिटीज़ में, बड़े भी होते हैं, वहाँ पे जाकर के आप ये ज्ञान ले सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।